दोस्तों नमस्कार। चाहे मर जाना, लेकिन खासकर होली वाले दिन ये तीन चीजें कभी किसी को दान में मत देना। पड़ोसियों को भी ये चीज कभी मत देना। आपके घर की सुख समृद्धि सब चली जाएगी। ऐसा अनर्थ मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी रोते रहोगे। दोस्तों होली का त्योहार सनातन धर्म में मुख्य त्योहारों में से एक है। इस विशेष दिन पर लोग भगवान की पूजा करते हैं और एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर अपना प्यार व्यक्त करते हैं। कई लोग होली पर दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि होली पर दान करना बहुत ही फायदेमंद होता है, परंतु होली पर गलत दान आपके गरीबी के दरवाजे खोल सकता है। चाहे मर जाना, होली पर ये चीज कभी दान मत करना। दोस्तों इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों तेल का दान, अगर होली पर आप तेल का दान दे रहे हैं तो ऐसे में उपयोग किए गए तेल का दान करने से बचें। इस्तेमाल किए गए तेल का दान करने से अपशगुन होता है और घर के लोगों पर मुसीबतें आने लगती हैं। ऐसा करने से शनिदेव भी क्रोधित हो जाते हैं और आपको साल भर गरीबी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों पुराने कपड़े, पहने हुए कपड़े दान करने से स्वास्थ्य में कमी आती है। होली के दिन कभी भी पुराने कपड़ों का दान कभी मत करना। होली पर पुराने कपड़े दान करने से स्वास्थ्य में कमी आती है। अगर आप होली पर कपड़े दान करना चाहते हैं तो नए कपड़े दान कीजिए। ऐसा करने से ईश्वर की कृपा सदैव मिलती है। दोस्तों चाहे जान चली जाए, लेकिन होली पर किसी भी व्यक्ति से सफेद चीज लेकर मत खाना। पड़ोसियों से भी सफेद चीज कभी मत लेना, जैसे कि दूध, खीर इत्यादि आदि चीजें आपको होली वाले दिन कभी किसी से नहीं लेना है, क्योंकि खासकर होली वाले दिन सफेद चीजों में टोने टोटके किए जाते हैं। इन चीजों को खाने पर आप बुरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा में फंस सकते हैं। क्या पता वो व्यक्ति आप पर जादू टोना कर रहा हो। अगर आप सफेद चीज खाना ही चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से लीजिए जिस पर आप भरोसा करते हो, जो आपका खास मित्र हो या रिश्तेदार हो। होली के दिन स्टील के बर्तन दान करने से समृद्धि और भाग्य में कमी आने लगती है। माता लक्ष्मी आपका साथ छोड़ देती है। होली पर इनका दान करने से घर में अशांति रहती है और खुशियाँ कम होने लगती है। ऐसा अनर्थ कभी मत करना। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखे होली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घर को धन धाने से भरा रखे। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है, और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।